वाह भाई वाह, क्या काम किया है इन्होंने, देखना मस्त वाला एकदम। एक कंचन के लिए लेके आई है। मैंने कहा तेरी मम्मी को, मम्मी का दिवाली का गिफ्ट ये रहा। ये देखिए दोस्तों, ये सुबह सुबह लग गए हैं काम पे, सफाई करने में। हम सोचे थे काम खत्म करके फिर मार्केट जाएंगे, आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। तो भैया धनतेरस के लिए इन्होंने आज मार्केट जाने के लिए सुबह सुबह काम निपटा दिया। अरे ये बिल्कुल रिंकू के टू कॉपी नहीं है। आज तो कोचिंग में नहीं गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, नहा धो के पूजा करके एकदम रेडी हो गया हूँ। जैसे कि शिल्पी ने बताया कि आज धनतेरस है, तो ये लोग तो लग गए सफाई करने में और थोड़ी बहुत देर में जाएंगे मार्केट। आज सुबह से बारिश का मौसम हो रहा है और इधर आज हमारे घर में एक ही लड़की है जो स्कूल नहीं गई, वो ये है, ये शख्स। बाकी सब स्कूल गए, ये लड़की स्कूल नहीं जाती। ये बहुत ही बेकार लड़की है। क्यों नहीं गई तू स्कूल? क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह ये लेट उठी थी। ये उठी है 9:30-10:30 के आसपास उठी है। इतना लेट भी नहीं उठी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था ना, इसलिए मैं गई नहीं। इसका मन नहीं कर रहा था, ये अपने मन के हिसाब से चलती है। बहुत बहुत नालायक लड़की है हमारे घर की। तो आज मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, एकदम बारिश वाला। अभी चाची मम्मी और जाने वाले हैं मार्केट सामान लेने। मैं आपको बाहर एक बार दिखाता हूँ। और इसे हर्षू को देखिए, हर्षू यहाँ पे पेंट कर रहा है, दरवाजा रंग दिया है पूरा। ओह अंतु भी लगा है, वाह भाई वाह, क्या काम किया है इन्होंने, देखना मस्त वाला एकदम ले जा रहे। चमका दिया रूम एकदम। और हम चलते हैं गाय वाले रूम में, दादी जा रखी है गाय और भैंस वाले रूम में। और आज देखना पीछे मेरे मौसम कितना मस्त हो रखा है, एकदम बढ़िया सा बारिश वाला। हालांकि बारिश पड़ नहीं रही, पर बारिश वाला मौसम हो रखा है आज, एकदम धूप निकली सूरज से। आज तो मुझे गाड़ी भी धोनी है, कितनी गंदी हो रही है। आज धनतेरस है तो गाड़ी भी चमकाऊंगा, पूरी गंदी हो रखी है ओस में। और देखो दादी यहाँ बैठ रखी है, मुझे लगा तुम रूम में हो, गाय वाले रूम में। तो हम चलते हैं एक बार रूम में और देखते हैं अपनी छोटी सी बिंदिया को, जो भैंस की बच्चिया हुई थी, बच्चिया को देखते हैं। ये रही देखो, वो बैठी पूरी, देखना शांत होकर बैठ रखी है। ये अभी बांध रखा है, देखो इसके लिए हमने ये बनाया कुंदा, यहाँ पे बांध रखी है। और अभी आजकल में ना हमने क्या करना है कि जो हमारी भैंस और बच्चिया है वो तो हम इस वाले रूम में बांधने लगे जिसमें गाय बनती थी। तो गाय के लिए ये वाला रूम तैयार करना है, ये वाला या ये वाला। इधर कुट्टी में सोचने की, इधर कुट्टी वगैरह रखें और ये वाला रूम गाय के लिए तैयार कर दें, गाय और बच्चिया के लिए। तो वो यहाँ पे बन जाया करें, क्योंकि ऊपर तो हमने सही कर दिया, वहाँ पे क्या कहते हैं पन्नी वगैरह डाल दी, ठंड नहीं आएगी। और ठंड हो रही है ना, ठंड की वजह से करना पड़ा है सब कुछ। ये लोग हो गए तैयार मार्केट जाने के लिए। हम भी जा रहे भाई। क्या लेने जा रहे हो बता दो एक बार, धनतेरस की शॉपिंग करने जा रही हो तुम? बर्तन लेके आएंगे, झाड़ू लेके आएंगे और कुछ सामान भी लेके आएंगे। झाड़ू धनतेरस पे लेके आते हैं। और चाची तुम क्या लेके आओगी बता दो? बता दो। हम लाएंगे, हम सोच रहे हमारा सोनू के साथ ही होगी, बड़े बड़े भगोने लेके आएंगे, उसमें मतलब बाहर से बर्तन नहीं लाने पड़े। एक भगोना तो कल दादी ने भी लिया, दादी तुमने कल भगोना लिया था खाना बनाने के लिए? मैंने तो तीन लिए, तीन भगोने, एक तो कल लिया और दो पहले ले रहे। अच्छा भाई, ये लोग चले गए बाय करते करते। ऐसे देखे विवान को, विवान भी जा रहा है मार्केट। विवो मार्केट जाएगा तुम? हाँ, तो टोप ओपा पहन रखा भाई, ठंडा मौसम हो रखा है ना, देखो कितना मस्त टोपा पहन रखा है। विवान चल, इसे भी ले जाओ, ले जाओ, बाय बाय करो विवान, विवो बाय करो, बाय 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 बाय। ये भी जाने के लिए एकदम रेडी है, इसके दांत आ गए क्या? ये देखो ये भाग भाग के आ गई, क्योंकि मम्मी ले जा रही है विवो को। तू भी जाएगी मार्केट? जाएगी मार्केट, जाएगी हैं, जाएगी मार्केट शॉपिंग करने? हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ले जाओ ले जाओ, इसे मत लेके जाओ, ले जाओ मैं इसके भैया को। नहीं नहीं भैया नहीं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। नहीं नहीं ले जाओ ले जाओ, इसे मैंने पकड़ लिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जाओ अंदर जाओ, सो जाओ, जाओ सो जाओ, आप सो जाओ, जाओ तो दोस्तों कुन्नू को भी ले आया मैं। और ये देखो ये रहा कुन्नू, इसे भी लेके आया स्कूल से। और बाकी बारिश भी पड़नी स्टार्ट हो गई, देखो बूंदा बांदी।
और आज मैं जो कुन्नू को लेकर आया हूँ वो लेकर आया उससे बैटरी वाली स्कूटी से, पापा लेकर आ रखे थे बैटरी वाली स्कूटी, देखो बाहर खड़ी है ये वाली, इससे लेके आया हूँ भाई साहब 35 की स्पीड में भागी पर मजा आता चलाने में, गियर वेयर भी है इसमें बैटरी वाली स्कूटी में। सो मैं और दादी जा रहे हैं भैंस के बच्चे को अंदर बांधने, चलो दादी जल्दी चलो बारिश पड़ने लगी, अंदर बांध देते हैं भाई वो बेचारा भीग जाएगा ना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो भैंस बांध दी, वो ले भाई साहब रिंकू ने तो पहले ही ले आया भाई, रिंकू तो पहले ही बांध रहा है, देखो गाय तो हमने यहाँ बांध रखी थी अब बारिश पड़ने लगी है तो भैंस हमने अंदर बांध दी, दूध मत पिए दूध मत पिलाइए उधर उधर बांध दे। हाँ तो दादी मुझे जो बुला के लाई थी घर से इसलिए बुला के लाई थी कि अंदर बांधना था, वो यहाँ बांध रखा था तो वो तो बांध दिया, बारिश भी पड़ने लगी, अब चलते हैं हम भाग भाग के घर क्योंकि भीग जाएंगे। मार्केट से आ गए और जो सामान लेके आए हैं वो धनतेरस पे, मम्मी तो लेके आई है प्लेट, वाओ अच्छी लग रही है, तो पीयूष ये प्लेट लेके आई है और चार प्लेट लेके आई है, एक मेरे लिए, बॉनी के लिए, शिल्पी के लिए और किसके लिए है, एक कंचन के लिए लेके आई है। मैंने कहा तेरी मम्मी को मेरे मुंह से पहले चार ही निकला, तेरी मम्मी ने पहले चार ही निकलवा दी थी, फिर तेरी मम्मी कह रही तीन ही लेती हूँ, मैंने कहा एक एडवांस भी ले लू भैया आने वाले बच्चे के लिए, तो एक कंचन के लिए भी प्लेट आ गई है, खाना तो इस्तेमाल में तीन ले रही थी। लो भैया तो कंचन अगर ब्लॉग देख रहे हो देखो उसके लिए भी प्लेट आ गई एक, बाकी तुम क्या ले गए, तुम भी प्लेट, दो लाई हूँ, चाची भी प्लेट ले गई, चाची दो लेके आई है, और क्या लाइफ हाँ। सबसे पहले शॉपिंग मैंने ये करी, बहू आ जाएगी तो हम कीर्तन करेंगे तो चाची तो ये लेके आई है भाई घंटी, तीनों बैठना है एक जगह में कीर्तन करते रहेंगे, हमारे पैर दबाए खाना बनाए। तो गाइस शाम के 7:30 बज गए और मैं जा रहा हूँ मार्केट, मैं शिल्पी मामा और छोटी चाची जा रही है शायद, बाकी देखो शाम के 7:30 बज गए ऊपर आपको टाइम दिख ही रहा होगा, पहले मैं जा रहा था स्कूटी से या बाइक लेके जा रहा था क्योंकि मैं अकेला जा रहा था, अभी इन्होंने क्या कहा कि ये लोग भी जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह लेना है तो अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से, सामने खड़े हैं मामा तो, और पहले वो देखो स्कूटी लेके जा रहा था मैं, स्कूटी मैंने वापस खड़ी कर दी और अब गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग, तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, और कौन जा रहा तेरी मम्मी, मम्मी नहीं जा रही, मंदी या शिल्पी थी। अच्छा और देखो हवा चलने लगी, ठंड हो गई तेज एकदम, निकल गए हम लोग और एक मेंबर और बढ़ गया देखो पीछे रिंकू गौतम द डॉन, तो बताओ हम क्यों जा रहे हैं भाई तुम लोग मार्केट, दिवाली की मिठाई लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट, मनु तू भी, मैं तो ऐसी, हम तो घूमने जा रहे हैं, धनतेरस पे धन खर्च करने जा रही है, इन लोगों की वजह से मुझे गाड़ी लेके आनी पड़ी वरना मैं आराम से स्कूटी से जा रहा था। तो गाइस घर पहुंच गए हम लोग, सामान लिया है मार्केट से, बाकी आज पापा को भी गिफ्ट मिला, मम्मी मेरे को पापा वाला गिफ्ट दिखा रही थी, पापा को ना जहाँ पापा जॉब करते हैं वहां से दिवाली का गिफ्ट मिला है, दिखाना मम्मी कौन सा है, और ये तो लोग ये तो सामान हम ही लेके आए हैं, खैर पर पेपर बोट का ही मिला भाई पापा को, पेपर बोट जिसमें इसमें क्या है ड्राई फ्रूट है ना, खोलिए गुन्नू मनु, ये बात ये है भाई ड्राई फ्रूट पेपर बोट के, तो पापा को ये गिफ्ट मिला है और मेरे ऑफिस से मुझे कुछ नहीं मिलता, पिछले साल भी नहीं मिला था इस साल भी नहीं मिला, मम्मी का दिवाली का गिफ्ट ये रहा, मेरा दिवाली का गिफ्ट ये बात सही है, अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गिफ्ट है। सो अब खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 9:15 बज गए, 1.5 से 2 घंटे हमें मार्केट में लग गए थे, ये लोग तो सामान वगैरह इधर देखने लगे, तो दोस्तों ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस।